हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस और हम कल 2017 के पीओटी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। आंखों का जाम लिखो, जुल्फ की बरसात लिखो, जिससे नाराज हो तुम उस शख्स की हर बात लिखो, जिससे मिलकर भी ना मिलने की कसक बाकी है उस अनजान सहनसा की मुलाकात लिखो, जिस मस्जिद की तरह आंखें नमाजों जैसी जब गुनाहों में इबादत थी वो दिन रात लिखो, इस कहानी का तो अंजाम वही है जो था, तुम जो चाहो तो मोहब्बत की शुरुआत लिखो, जब भी देखो उसे अपनी नजर से देखो, कोई कुछ भी कहे तुम अपने ख्यालात लिखो, कोई कुछ भी कहे तुम अपने ख्यालात लिखो। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, विच वन इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ चॉकबोर्ड। चॉकबोर्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? इजी अवेलेबल, इसका मतलब इजीली अवेलेबल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिप्रेजेंट ओनली टेम्पररी डाटा, टेम्पररी डाटा को रिप्रेजेंट करता है, इजी एडिटिंग, एडिट करना आसान होता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एडवांटेज के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, तो ये बात कर रहा है डिसएडवांटेज, यानी चॉकबोर्ड है उसके आपके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा इसमें से चार ऑप्शन में से एक कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज है, तो आपको इसका जवाब देना है। इजी अवेलेबल इसका ये एडवांटेज, आपके इजी से क्या होते हैं, आराम से आपको चॉकबोर्ड कहीं भी जाते हो, किसी भी एनएसटीआई में स्कूल में तो आपको चॉकबोर्ड तो मिलता है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा क्या इसका किफायती होता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता होता है, किफायती होता है, मतलब एक तरह से, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। अगर डी के बारे में बात करें, इजी एडिटिंग, यानी कि इसको आसानी से हम एडिट कर सकते हैं, तो ये तीनों आपके क्या है, एडवांटेज है। और आपका सी ऑप्शन क्या कर रहा, रिप्रेजेंट ओनली टेम्पोररी डाटा, आप जो डाटा इस पर प्रेजेंट करते हो, जो लिखते हो, ये हमेशा कैसा होता है आपका, टेम्पोररी होता है, आप इसकी मिटा सकते हो, साफ कर सकते हो, और ये टेम्पोररी होता है, इसको आप एक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड मॉडल। इसका मतलब है मास्लो ने जो हायरार्की दी थी, हायरार्की ऑफ नीड जो मॉडल दिया था, उसमें जो हाईएस्ट नीड होती है वो क्या होती है, सोशल नीड होती है, सेफ्टी नीड होती है, एस्टीम नीड होती है, या फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, जो हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल है, ये कौन सी थ्योरी आपकी मोटिवेशन की है, कौन सी है, तो ये जवाब दे सकते हो। तो जो उन्होंने मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स जो मॉडल दिया था, ये आपका मोटिवेशन का ये मॉडल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि मोटिवेशन के कितने मॉडल है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और किसने किसने दिया था, तो इसका भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा, जो मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स के जो मॉडल दिया था, उसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल था, हाईएस्ट नीड थी कौन सी थी आपके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट इसका हो जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुझे ये बताएगा कि जो सोशल नीड्स, सॉरी, जो इसका सेफ्टी, हाँ सोशल नीड्स और आपका एस्टीम नीड्स, ये आपकी कौन सी नीड होती है, ये किस टाइप की नीड आती है? हमारे नीड तीन टाइप के होते हैं ना, एक होता है हमारे बेसिक नीड्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, और तीसरा होता है हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होता है। मैंने आपको अच्छे से, जब मैंने आपको ये मोटिवेशन जो थ्योरी पढ़ाया था, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लासिफाई कर देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मैस्लो को सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि मैस्लो में कितने आपके लेवल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होता है। हमसे ये पूछ लेता है कि पहले लेवल का नाम बताओ और आखिरी लेवल का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या किया, इस लेवल को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, एक का नाम दिया हमने बेसिक नीड्स, दूसरे का नाम दिया हमने फिजिकल नीड्स, सॉरी साइकोलॉजिकल नीड्स, और तीसरे का नाम दिया हमने सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ठीक है। जो स्टार्टिंग हमारे 2 होते हैं, ये तुम्हारा कंफर्म है बेसिक नीड्स में आएगा, साथ ही साथ हम सेफ्टी नीड को भी हम बेसिक नीड में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सोशल नीड होता है और हमारा जो स्टीम नीड्स होता है, ये हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हमारे किस में आता है, तो ये आता है हमारे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आता है आपका, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन यही था ना, जो हाईएस्ट हायरार्की का नीड्स कौन था आपका, तो सबसे लास्ट में आपका आ रहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या आपका सेल्फ फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट नीड्स। तो शायद आपको चीजें क्लियर है, पांच लेवल हो गए, कौन कौन से आपके सामने नाम है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीचे को जो होते हैं आपका ये कौन से होते हैं, ये आपके डेफिशिएंसी नीड्स होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है ये आपका ग्रोथ नीड्स होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि नीचे के चार नीड्स होते हैं ये आपके कैसे नीड्स होते हैं, ये आपके बेसिक नीड, मतलब जो आपके एक तरह से रिक्वायरमेंट है हर कोई अपने लाइफ में, बस ये डेफिशिएंसी नीड्स ही आपके एक तरह से अचीव कर पाता है, वो ग्रोथ नीड को बहुत लोग ही जा पाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने बताया था आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से फीचर होते हैं, माइक्रो एलिमेंट, टीचिंग मॉडल, फीडबैक मॉडल या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन शायद आपको लग रहा हो कल की क्लास में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जो 2017 का पेपर है ना आपका, इसमें करीब चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में भी आए थे वो, और आपके लास्ट में भी आए थे, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हैं। क्या करते हैं ना एग्जामिनर, आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए आपने पहले क्या जवाब दिया था और लास्ट में क्या जवाब दिया, इस तरह कंपटीशन में भी एग्जाम में आते हैं आपके और पेपर में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट करते हो कि आप अपने ऑप्शन से क्या एकदम सेटिस्फेक्शन हो या नहीं हो। कभी आप ए का जवाब दे देते हो, कभी इसका बी दे देते हो। तो आपसे आपको पूछ रहा फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा? तो अगर मैं बताऊं माइक्रो टीचिंग हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, तो हमारे तीन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। कितने फेस होते हैं आपके, तो आपके तीन फेस होते हैं। कितने स्टेप और साइकिल होती है, छह होते हैं। इसके प्रोसीजर कितने होते हैं, नौ होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, प्रोसीजर में आपके नौ आते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है फोर आर माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो भी मैं बताऊंगा माइक्रो टीचिंग सीक्वेंस क्या होता है, और एक हमारे माइक्रो टीचिंग में आपको क्या पूछता है, ग्राउंड लेवल, क्या पूछता है आपका ग्राउंड रूल ऑफ माइक्रो टीचिंग, वो भी आपको बताऊंगा कि माइक्रो टीचिंग का जो ग्राउंड रूल होता है वो आपसे क्या कहता है। ग्राउंड रूल ये कहता है कि आप मस्ती भी करो और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। ठीक है, यानी कि आप इंजॉय के साथ क्या करो, अपने टीचिंग को या फिर जो चीज पढ़ रहे हो उसके एक सिक्वेंस में पढ़ो, यानी सिक्वेंस के साथ साथ आप अपने एक तरह से अपने प्लेजर का भी ध्यान रखो, इंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो। तो हमारा माइक्रो टीचिंग का ग्राउंड रूल आपका ये कहता है, पेपर में आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ ए गुड लिसनर, इसका मतलब है एक अच्छी लिसनर की क्या बेसिक क्वालिटी होती है, रीडिंग बुक्स, वो बुक्स को ज्यादा पढ़ता है, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है एक गुड लिसनर की, मेकिंग पीपल कॉन्टेक्टेबल, इसका मतलब है वो लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल पाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया था टेस्ट में करीब, जो हमारा टेस्ट नंबर 7 है ना, 7 या 8, मैंने उसमें आपको दिया था क्वेश्चन कि जो आपका गुड लिसनर होता है, जो एक तरह से क्या होता है कि अपने बात आपके बातों को क्या करता है, वो अच्छे से सुनता है, समझता है। ठीक है, कि यानी एक श्रोता एक लिसनर है उसके अंदर कौन सी बेसिक क्वालिटी होना चाहिए, तो रीडिंग बुक, यानी क्या मतलब किताबें पढ़ना क्या गुड लिसनर कराएगा, तो भाई बिल्कुल के बारे में बाद में बात करते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है आपका मेकिंग पीपल कॉन्टेक्टेबल, यानी क्या मतलब है, आप लोगों से कैसे क्या करोगे, संपर्क बनाओगे, तो क्या उसको गुड लिसनर कहेंगे, भाई ये गलत है, आपने मुझसे संपर्क बना दिया इसका मतलब थोड़ी आप गुड लिसनर हो जाओगे, अच्छी चीजों अच्छे श्रोता हो जाओगे, नहीं, नन ऑफ दिस। अब बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे बातों को आप गहराई से समझोगे, डीप लेवल से समझोगे, तो आपको मैं ये बताऊंगा आप गुड लिसनर माने जाओगे, अच्छे से अगर मुझे समझोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप गुड लिसनर नहीं हो। ठीक है, जो हमारे वो क्या होते हैं काउंसलर होते हैं ना, उसको गुड लिसनर होना चाहिए, आपके बात को अच्छे से समझना चाहिए। अगर बच्चों को अगर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो आपको सोल्यूशन कैसे देगा, वो आपको मोटिवेट चाहिए, आपको सोल्यूशन कैसे देगा, आपको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग इसका बिल्कुल सही है, गुड लिसनर को हमेशा डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, द एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी प्रोजेक्टर इज, एक एलसीडी प्रोजेक्टर का क्या एप्लीकेशन होता है,
टीचर यूज एलसीडी प्रोजेक्टर टू शो वीडियो इन क्लास, इसका मतलब है जो टीचर है वो एलसीडी प्रोजेक्टर से वीडियो दिखा सकता है अपने स्टूडेंट्स को. इंस्ट्रक्ट अस सप्लीमेंट देयर लेक्चर मटेरियल विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका मतलब है जो इंस्ट्रक्टर है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है. एलसीडी प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर वॉचिंग मूवीज, इसका मतलब है एक टीचर एलसीडी प्रोजेक्टर पर अपने स्टूडेंट्स को मूवी दिखा सकता है. तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा. तो मैं यहाँ पे देखो कई कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही है. देखो ऑप्शन ये क्या कह रहा हूँ हम, एलसीडी प्रोजेक्टर का जो अभी हमने बात करके डिस्कस किया था ना आपका, एक आपका और आपके क्या होता है ओएसपी होता है यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एक होता है हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर. ठीक है, यहाँ पे देखो एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ. तो पहला ऑप्शन क्या, अगर टीचर यूज करता है आपका एलसीडी प्रोजेक्टर का वीडियो को क्लासरूम में प्रेजेंट करने के लिए, भाई करता है जब आपको वीडियो कोई शो करके आपको कुछ दिखाना है, आप जैसे आपको डेमो दिखाना चाहे कुछ दिखाना है आपको डेमो के लिए कोई वीडियो वगैरह, तो टीचर आपको यहाँ एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करके आपको वीडियो वहां पर शो करके दिखा सकता है उसको. ठीक है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा कि जो आपका लेक्चर मटेरियल है उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, पावर पॉइंट आपका वहां पे प्रेजेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप एलसीडी का यूज क्या करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए. बिल्कुल सही है, आप जब स्मार्ट बोर्ड यूज करते हो, स्मार्ट बोर्ड या फिर नॉर्मल बोर्ड पे जब आप पीपीटी वहां पे शो करते हो वहां पे विजुअल करते हो तो आप किसका यूज करते हो, आप वहां पे एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करते हो, हर किसी क्लास में होता है. तो यहाँ पे देख रहे हो कभी कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही आ रहा है और किसके साथ जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है. सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, सी ऑप्शन कह रहा है एलसीडी प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर वॉचिंग वीडियो. क्या एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज हम क्लासरूम में क्या मूवी देखने के लिए करते हैं क्या? हाँ वो अलग बात है कि एलसीडी प्रोजेक्टर का हम पर्सनली अगर घर पे यूज करते हैं चाहे किसी सिनेमा हॉल में यूज करते हैं तो हम वहां पे मूवी देखने के लिए करते हैं, पर यहाँ पे हम टीचिंग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं यानी हम टीचिंग से पढ़ रहे हैं तो हमें टीचिंग से रिलेटेड हमें जवाब देना वहां पे. ठीक है, जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और बी उसका बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट. तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्रिएटेड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कब क्रिएट किया गया, 1954, 1956, 1957 या फिर 1955? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर बेटा किसी ने इसका गलत जवाब दिया ना तो को कुछ नहीं होने वाला उसका. ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कब क्रिएट किया गया था, तो जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था या फिर जो आपका ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसको बनाया गया था आपका 1956 में. इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही जवाब है. आप मुझे ये बता सकते हो कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कब क्रिएट किया गया था, कब बनाया गया था? ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में यहाँ पे प्रेम सर अभी आपको एक दो लाइन बता देंगे यहाँ पे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर आपके आपको दे रखे हैं जिसमें आपको हमने बता रखा है कि जो लर्निंग होती है वो किन किन मेथड्स के थ्रू होती है, जिसके अंदर हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी स्कैप नाम की, जिसमें सी का मतलब था कॉग्निटिव डोमेन, ए का मतलब था अफेक्टिव डोमेन और पी का मतलब था साइकोमोटर डोमेन. मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है द फेजेस ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के कौन कौन से फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन, नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी? इसका आपको जवाब देना है. इसका क्या होगा फेजेस ऑफ लेसन प्लान, यहाँ पे आपके उसके बारे में बात नहीं कर रहा, किसके स्टेप ऑफ लेसन प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा. ठीक है, यहाँ पे फेजेस ऑफ लेसन प्लान क्या, इसका इंट्रोडक्शन होगा क्या, इसका यहाँ पे फाउंडेशन हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, फिर बोथ ए और बी होगा इसका. तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, कि फेजेस में आपके क्या होते हैं. ये तो आपका आता ही है, तो इसके अलावा भी आता है. इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए और बी उसका बिल्कुल सही जवाब. कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे पर मैं बिल्कुल बता दूं आपको, इंट्रोडक्शन और फाउंडेशन ये आपका इंट्रोडक्शन में आता, प्रिपरेशन में आता आपका. ठीक है, ये फेसेस आपके, अगर मैं बताऊं इसके लेसन प्लान के कौन कौन से स्टेप होते हैं तो मेनली इसके चार स्टेप होते हैं, कौन कौन से, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्ट एंड इवोल्यूशन. इसके अंदर अगर आपके बहुत टीचिंग मटेरियल और भी बहुत सारे आते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था, अभी हम दो चार दिन में लेसन प्लान और डेमो प्लान के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में हम अच्छे से फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको. ठीक है, तो शायद आपको क्लियर, इंट्रोडक्शन और फाउंडेशन ये आपके जो नीमी किताब है ना उसमें आप लेसन प्लान खोलना. ठीक है, और लेसन प्लान खोलने के बाद आप उसको अगर पहला ही लाइन पढ़ोगे इंट्रोडक्शन वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द फेजेस ऑफ लेसन प्लान में आपका इंट्रोडक्शन भी आता है आपका
और फाउंडेशन भी आता है आपके, आधार भी आएगा, उसका उद्देश्य भी आता है आपका। आप ज्यादा नहीं, लेसन प्लान वाला चैप्टर खोलो, ठीक है, रिटर्न एक्सट्रेशन मटेरियल खोलो आप, उसमें लेसन प्लान का जो पहला पेज है उसको खोल के देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे थोड़े सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे ना, तो पहला पेज खोलेंगे वहां पे लेसन प्लान का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद आपको यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टेप के बारे में बात करें टीचिंग में, चाहे आपका डेमोस्ट्रेशन प्लान हो, चाहे आपका क्या कहते हैं डेमोस्ट्रेशन प्लान हो, चाहे लेसन प्लान हो, तो उसमें आपको चार स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, फिर टेस्ट एंड इवोल्यूशन। तो आपके चार स्टेप हो गया, ठीक है। इसके अंदर ही आपका वो इंट्रोडक्शन और फाउंडेशन भी आता है, मैं आपको अच्छे से बताएंगे जो क्लास लेंगे लेसन और डेमो प्लान की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किल इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी, विच टाइप ऑफ स्किल इज इनकरेक्ट, सही नहीं है, कॉग्निटिव, साइकल, परसेप्चुअल या फिर मोटर। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, आपको दूर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों के, मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ। तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का फुल्का आपको जवाब दे देता हूँ। जो हमारे स्किल के जो डोमेन होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, तीन टाइप के थे ना, आपको अच्छे से बताया था कौन कौन से था आपका। पहला था आपका कॉग्निटिव, दूसरा था आपका साइकोमोटर, और तीसरा था आपका क्या था आपका, तीसरा था आपका अफेक्टिव था ना, क्या था आपका, अफेक्टिव था आपका, ठीक है। तो जो हमारा कॉग्निटिव था, तो हमारे कौन से तीन डोमेन थे हमारे स्किल के, तो पहला कॉग्निटिव हमारा मिल गया। अब हमारा दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा क्या, अफेक्टिव। तो अफेक्टिव किससे होता है, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, यानी क्या हो जाएगा उसका, उसका हो जाएगा आपका परसेप्चुअल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, बोधनात्मक हो जाएगा उसका, जो हमारा अफेक्टिव था वहां पे। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा वहां पे साइकोमोटर था। यहाँ पे आपका मोटर है आपका, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वाला मोटर के बारे में बात नहीं कर रही है, ये आपका साइकोमोटर के बारे में बात कर रहा है। जिसने पेपर बनाया ना बेटा, उसने अनपटांग कुछ ने लिख दिया, उसने उस क्वेश्चन को उसने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउटफुल है। यहाँ पे नॉर्मली ये मोटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका साइकोमोटर आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉग्निटिव स्किल, ये हो गया आपका अफेक्टिव स्किल, और ये हो गया आपका साइकोमोटर स्किल। तो ये साइकिल, साइकिल तो ये पूरा सिस्टम होता है ना, पूरे चैन को कहते हैं ना साइकिल, हम जो पूरा एक चैन बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि साइकिल। थोड़ा सा प्रेम सर आपको बताएंगे, ये जो कॉग्निटिव है, परसेप्चुअल है, और मोटर साइकिल है, सॉरी साइकोमोटर है। तो यहाँ पे फिर प्रेम सर अभी बताने वाले हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी अभी सर ने बताया आपको कि आपके तीन प्रकार के डोमेन होते हैं, डोमेन को हिंदी में भी डोमेन ही कहा जाता है। डोमेन कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक पक्ष, इसका मतलब है जो आप अपनी नॉलेज से सीखते हो। उसके बाद आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव यानी कि जो आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस के द्वारा सीखते हो, जैसा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख भी रहा होगा। उसके बाद आता है आपका साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर मतलब जो आप अपने फिजिकल स्किल्स द्वारा सीखते हो। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के डोमेन्स होते हैं। नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखा रखा है कॉग्निटिव, यहाँ पर आपको एक माइंड दिखा रखा है, इसका मतलब है आप अपने माइंड से सीख रहे हो। उसके बाद है अफेक्टिव, अफेक्टिव में आपको हार्ट दिखा रखा है, हार्ट मतलब जो आप अपने हार्ट या फिर इमोशन से सीखते हो। और साइकोमोटर स्किल जो होती है, जिसे हम कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं, इसमें आपको हाथ दिखा रखा है, इसका मतलब है ये ऐसी चीज है जो आप अपने किससे सीखते हो, फिजिकल स्किल से सीखते हो। क्लियर हो गया होगा। इधर आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी आपको इसी तरह से चीजें बता रखी हैं, ठीक है। जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है उसमें क्या आ जाएगा, आपका मेमोराइजिंग आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। अफेक्टिव डोमेन में क्या आ जाएगा, कोई आपको, आपका कोई इमोशन है, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो ये चीजें आपकी अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगी। साइकोमोटर में क्या आ जाएगा, आपका टाइप कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो एक्शन और डूइंग्स इसके अंदर आ जाती है। तो हमारा यही था ना, यहाँ पे देखो आपका यहीं पे था, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, परसेप्चुअल लिखा हुआ, ये हमारा किसमें आएगा, इसमें आएगा हमारा अफेक्टिव में आएगा। आपको थोड़ा सा डाउट होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप अफेक्टिव डोमेन, यहाँ पे देखो क्या आपका परसेप्शन आ रहा, ठीक है, वही चीज आपका थोड़ा सा मतलब ऐसे आपको मोटिवेट कर, हल्का फुल्का उसमें मॉडिफाई कर दिया जाएगा, पर आपको वहां पे चीजों को क्लियर करना, समझना आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के संदर्भ में, डिजिटल कैमरे के मेंटेनेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, कीप द लेंस क्लीन, लेंस को क्लीन रखें, लेंस टू बी कवर्ड बाय लेंस कवर, लेंस को कवर कर रखना चाहिए लेंस कवर से, कीप द लेंस
बी ओपन ऑल द टाइम, इसका मतलब है कि लेंस को आप हमेशा ओपन कर रखें। क्लीन द लेंस एंड कैमरा बाय सोप, इसका मतलब है जो लेंस है उसको साफ रखें और कैमरा को आप सोप से, सोप यानी साबुन से धो दें। तो भाई इसका तो आपको प्रॉपर जवाब देना आपको, ठीक है, जो हमारे टीचिंग एड उसी का आपका चैप्टर का बहुत बढ़िया पे डिजिटल कैमरा को जो मेंटेनेंस हमारे सिलेबस में बहुत अच्छा सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कैमरे को क्या करते हो हमेशा, आप क्या करते हो क्लीन करके रखते हो क्या, लेंस को साफ रखे हमेशा साफ करते रहते हो, उसको कीप करके रखते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कैमरे का जो कवर है उससे आपने लेंस को क्या करते हो कवर करके रखते हो। तो हमेशा आपने देखा होगा जो जो आपका वो होता है ना आपका DSLR होता है कैमरे के, जो आप क्या करते हो हमेशा कवर करके रखते हो। सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि आप उसको क्या करते हो, आप क्या करते हो आप उसको लेंस को हमेशा खोल के रखते हो, तो बिल्कुल गलत भाई, स्क्रेच वगैरह पड़ते रहते हो। क्या उसको साबुन से देते हो क्या, लेंस को और कैमरे को क्या साबुन से धोते रहते हो, तो कुछ मारती होंगी जो साबुन से धोते होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे जिसने जो आप दिया ऑप्शन भी, यानी कि आप कैमरे के जो कवर है उस कवर से आप कैमरे को हमेशा कवर करके रखते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसमें आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। जैसे डिजिटल कैमरा है, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डिजिटल कैमरा का आविष्कार किसने किया, पहला क्वेश्चन ये है, आप जल्दी से आंसर दीजिए लाइव कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डिजिटल कैमरा का जो आविष्कार किया था वो सबसे पहले किस कंपनी में हुआ था, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिजिटल कैमरा जो होता है ये कई प्रकार का होता है, इसमें एक होता है आपका SLR कैमरा, एक होता है DSLR कैमरा, तो आपको इनकी मुझे फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हम इनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आंसर काफी सही आ रहे हैं आपके, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन OHP एज कंपेयर टू LCD, यहाँ पर आपका एक प्रकार से अंतर पूछ रहा है। OHP जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर एज कंपेयर टू LCD, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यहाँ पर अंतर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कॉस्ट सेविंग, यानी कि कॉस्ट बचती है, एनर्जी सेविंग, एनर्जी आपकी सेव होती है, टाइम सेविंग, समय बचता है, या फिर वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब अलग अलग काम को करने में सक्षम है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ये कल भी शायद आया था, ये दोबारा देखो मैंने आपको कहा था कि जो ये जो एग्जामिनर होते हैं ना बहुत चलाक होते हैं, ठीक है, एक ही जो क्वेश्चन को आपको कई बार रिपीट करके देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना जब आप नकल करते हो अपने दिमाग का यूज नहीं करते हो तो एक जगह आप जवाब कुछ और अलग देते हो और अगले जगह आप अलग देते हो, तो आपके IQ लेवल को चेक करते हो वहां पे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा कि OHP का क्या आपका बिगेस्ट एडवांटेज है किसके तुलना में LCD का, तो भाई सबसे ज्यादा हमारे फायदे तो हमें LCD मिलता है। LCD या TV के बारे में बात नहीं कर रहा है, LCD प्रोजेक्टर, जो अभी पीछे क्वेश्चन था हमारा LCD प्रोजेक्टर कौन से मेन एडवांटेज होते हैं, अभी पीछे तो आपको देखा होगा आपने, ठीक है। तो LCD प्रोजेक्टर है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका, ठीक है। तो हम आपको पता है कि जो हमारा OHP है हमारे मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है, और जो हमारा LCD प्रोजेक्टर जिसे बोलते हैं स्मार्ट प्रोजेक्टर बोलते हैं जिसमें हमारा ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, ये हमारे किसमें आता है हाई इंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स में आता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये हम पहले यूज करते थे, आज के टाइम पे यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा एडवांटेज के बारे में बात करें एनर्जी सेविंग हमारा LCD में होता है, ठीक है, और टाइम सेविंग भी हमारा LCD में होता है, ठीक है, और वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता एक से ज्यादा मल्टी फंक्शन जिसमें हो, तो मल्टी फंक्शन आपका LCD में ही होता है, एनर्जी सेविंग इसमें होता है, एनर्जी हमारी कम लगती है, टाइम सेविंग इसमें होता है, ये हो सकता है। जो हमारा इंस्टॉलेशन है, हम ज्यादातर जो कंपेरिजन करते हैं ना हम रनिंग कंडीशन में करते हैं ना, इंस्टॉलेशन में करते हैं ना, हम उसको दी एंड में करते हैं, जो हमारा रनिंग पीरियड होता है क्योंकि लंबा टाइम होता है तो हम कंपेरिजन वहां पे करते हैं। हाँ ये कह सकते हैं जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है स्टार्टिंग जब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जब लगाते हैं तो वहां पे टाइम हमारा ज्यादा लग सकता है, पर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में हमारा LCD प्रोजेक्टर में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, वहां पर हमने PPT जो भी अपना लैपटॉप में डाला और LCD के थ्रू हमने प्रेजेंट कर दिया, पर OHP में करने में हमें टाइम लगता है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी शीट रखो ये करो तो टाइम ज्यादा हमारा वहां लगता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपके एडवांटेज किसने पूछा, आपका बिगेस्ट एडवांटेज किसने पूछा, बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जब आपका OHP होता है, ये बस एक ही चीज था कि आपको सस्ता मिलता था, ये किफायती था इसलिए यूज करते हैं, बाकी इसका कोई फायदा है नहीं इसका, ठीक है, ये तो विजुअल में आता, ऑडियो नहीं आता और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसका कंफर्म होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये किफायती पर सस्ता होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ ऑपरेशन सीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोसीजर, इसका मतलब है कि ऑपरेशन सीट कैसे
डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है प्रोसीजर से, हाउ टू यूज लिस्ट ऑफ टूल इक्विपमेंट, प्रोसीजर नाइदर ए और बी बोथ ए एंड बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो आपका ऑपरेशन सीट होता है, सबसे पहले आपको ये मुझे बता दो कि ऑपरेशन सीट का यूज कहाँ करते हैं, लेसन प्लान में करते हैं या फिर डेमो प्लान में करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ये भी जवाब दे सकते हो। तो प्रोसेस से, प्रोसीजर से क्या डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है आपका हाउ टू द यूज लिस्ट ऑफ आपका टूल्स इक्विपमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो टूल्स इक्विपमेंट की जो सूची तैयार कर सके, लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, ये हमारा इसमें आता है। तो भाई इससे भी जुड़ा हुआ, प्रोसीजर तो है इसका, तो प्रोसेस भी जुड़ा हुआ इसका। जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन सी या डी, तो मैं देख रहा हूँ करीब बच्चों को जवाब बहुत सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इसका बहुत, जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया कि ऑपरेशन सीट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं लेसन प्लान में, सॉरी डेमो प्लान में करते हैं, कहाँ करते हैं डेमो प्लान में। और ऑपरेशन सीट आपका कौन बनाता है, तो ये बनाता है आप इंस्ट्रक्टर, और किसके यूज के लिए बनाता है, तो ये आपके ट्रेनर्स के यूज के लिए बनाता है। शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। What does job sheet present? Job sheet किस चीज को present करता है? Task को, job को, work को, या none of these? तो मुझे लग रहा है आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका, कि जो जॉब सीट होता है किस चीज को आपका रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है। तो मैं करीब देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जो आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे, किसी का ए भी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे दो अलग अलग जो सीट होते हैं कौन कौन से, एक होता है हमारा ऑपरेशन सीट, दूसरा होता है हमारा जॉब सीट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टास्क क्या होता है और जॉब क्या होता है। ठीक है, टास्क नंबर ऑफ टास्क हमारा जॉब होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टास्क हमारा क्या होता है, जॉब होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारा जॉब आएगा या फिर जॉब सीट कहलाएगा, या फिर नंबर ऑफ टास्क हमारा क्या कहलाता है, जॉब। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कई सारे टास्क जोड़ेंगे तो हमें एक जॉब मिलकर तैयार होता है। अब देखो कैसे, जो हमारा ऑपरेशन सीट होता है ना, हम उसको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर स्किल को कवर करने के लिए, बनने के लिए हम ऑपरेशन सीट बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेशन सीट। जैसे कि आप डेमो प्लान जाते हो तो आपका एक प्रोटोकॉल, एक स्किल होता है, उसी से जो आपका प्रोसीजर होता है, जो आपके प्रिपरेशन होते हैं, सब उसके अंदर मेंशन होता है, जिससे आप एक तरह से एरर वगैरह ना करो। यानी कि एक जॉब के लिए हम जो करेंगे वो हमारा ऑपरेशन सीट होगा, जिसमें आपका एक ही प्रोसीजर वगैरह होता है। जो मल्टी फंक्शन होता है, जिसमें एक से ज्यादा आपके वर्क होते हैं, जॉब होता है जिसमें एक से ज्यादा आपका जॉब होता है, ये हमारा जॉब सीट में आता है। इसलिए हम जॉब सीट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन, या फिर बोलते हैं नंबर ऑफ टास्क। कई सारे टास्क मिलेंगे, जैसे सपोज करो आपको कुछ बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप कोई कपड़ा ही बना रहे हो, कोई कोई सामान बना, तो उसको छोटे छोटे भाग को फिर इसको काटोगे, सीलोगे, फिर ये करोगे, वो करोगे। ठीक है, ड्रेस मेकिंग वाले की बात करूं मैं, तो छोटे छोटे काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। ठीक है, तो क्या वो छोटे छोटे टास्क को कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टास्क उन्होंने असेंबल कर लिया, जो पूरा कंप्लीट बन के पूरा एक ओवरऑल तैयार हो गया, तो हम उसको जॉब कहते हैं। ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वास्तव में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यानी जॉब सीट जो हमारे नंबर ऑफ टास्क होगा, या फिर हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो जब नंबर ऑफ टास्क बहुत सारे जोड़ेंगे तो हमें जॉब मिलता है। तो हमारे जॉब सीट किससे रिलेटेड होता है, तो हमारे जॉब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना आपको, अगर यहाँ पे आपका ऑपरेशन सीट होता तो आप उसके साथ टास्क के साथ जा सकते थे, क्योंकि आपके बस एक टास्क के लिए होता है, एक चीज के लिए होता है वो। ठीक है, आपके मतलब एक एक स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है वो, पर जॉब सीट आपके एक से ज्यादा जिसमें मल्टी टास्क आपके आते हैं, ठीक है, तब उसको हम जॉब बोलते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट का क्या यूज होता है, इजी टाइप डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट टेक्स्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट टेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट टेक्स्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा इंफॉर्मेशन सीट होता है ये हमारा किसमें आता है, हमारा हमारा लर्निंग मेटेरियल में आता है। सबसे पहले आपसे पूछते हैं होता है हमारा रिटर्न में, एक होता है हमारा टीचिंग मेटेरियल, एक होता है हमारा लर्निंग मेटेरियल। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन सीट होता है हमारा किसमें आता है, लर्निंग मेटेरियल में आता है। कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है, किसके लिए बनाता है, तो हमारे ट्रेनर्स के लिए बनाता है। आपका ये क्लियर है, इन्फॉर्मेशन सीट वास्तव में होता है क्या। अब देखो टीचर आपको पढ़ा रहा है, कुछ उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप भूल जाते हो, कुछ ऐसे मेन मेन पॉइंट है जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है कि आने वाले टाइम में आप एरर ना लाओ। इस एरर से बचने के लिए आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन सीट यूज करते हो, जो मेन मेन पॉइंट आप वहां पे लिख देते हो, जो आपसे वो इजी आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है, और आपके एक तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में रहता है, और डिटेल्स में भी आपका हो सकता है। यानी कि ओवरऑल आपकी हेल्प के लिए इन्फॉर्मेशन सीट डेवलप किया जाता है, जिसको आपके कंफ्यूजन ना हो, और आने वाले टाइम में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहते हैं उसको आप वहां पर नोट डाउन करके रखो।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है और किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन डे के साथ। हम इसमें इजी टैब आपका डिस्क्रिप्शन भी होता है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है इजी टैब आपका होता है यानी कि कंटेंट का क्या आसान वितरण होता है, बिल्कुल आसान से कंटेंट जो है उसमें हमारा एक इजी टैब में होता है। साथ ही साथ क्या होता है उसमें उसको विस्तृत में भी होता है, कहीं तो डिटेल्स में भी होता है, मान सकते हैं डिटेल्स में डिटेल्स में लिख दो, और मेनली ब्रीफ में होता है। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं ब्रीफ में, तो अगर मेनली अगर मैं बताऊं आपको इन्फॉर्मेशन शीट में, तो आपका ए और सी तो आपका कंफर्म है, मस्ट भी है आपका, ठीक है, शुड भी और कैन भी में हमारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन भी हमारा रहता है, ठीक है। मेनली हम अगर बात करें मस्ट भी में, तो ए और सी हमारा मस्ट भी में आएगा और ये शुड भी और कैन भी में हो सकता है इसका, ठीक है। जिसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। What are the elements of communication process? Communication process के कौन कौन से elements होते हैं? Sender, idea, communication या फिर all of these? तो यहाँ पे थोड़ा सा confuse करने वाले question आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आकर बात करूं, मैं क्या चीज अगर मैं यहाँ पे process हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, और बस अगर आपसे पूछो What are the element of communication, यानी कि communication कौन कौन से element होते हैं, तो हमारे basically जो हमारे element होते हैं communication के चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? Sender हो गया, message हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है channel या medium होता है, और चौथा हमारा होता है receiver होता है। हमारे basic element होते हैं ये, मैं procedure के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं normally element जो होते हैं हमारे simple ये चार type के होते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे, प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे, प्रोसेस के बारे में बात कर रहा, या तो प्रोसेस पूछ लेगा आपसे या फिर पूछ लेगा आपके एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टेप, क्या पूछेगा आपसे, या तो प्रोसेस पूछ लेगा या फिर पूछेगा आपसे क्या पूछेगा स्टेप पूछ लेगा या फिर पूछेगा अगर नॉर्मल, अगर ये चीज नहीं है तो मैंने आपको बता दिया चार आज के बेसिक एलिमेंट होते हैं। पर हमें पता है स्टेप आपका एक पूरा साइकिल बन जाता है, प्रोसेस में पूरा साइकिल कवर हो जाता है, पूरा कंप्लीट, यानी फीडबैक का आना ही आना वहां पे, तो आपका प्रोसेस अलग होता है, नॉर्मल आपके एलिमेंट अलग होते हैं, स्टेप हमारा स्टेप और प्रोसेस हमारा एक होता है। तो सेंडर तो हमें चाहिए भाई, ये मैसेज को भेजेगा तो सेंडर तो हो ही, प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, दोबारा बताता हूं आपको, नॉर्मल एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, आपसे स्टेप के बारे में बात कर रहा हूं, तो सेंडर तो डेफिनेटली होगा ही इसके। और सेंडर क्या है, सेंडर के दिमाग में क्या है, एक तरह से आइडियनेशन आया, आइडिया आया, एक तरह से विचार आया, उस विचार को क्या किया उसने, उस विचार को इनकोडिंग कर दिया, इनकोडिंग करके जिससे आपको लैंग्वेज चाहिए उसको उसने भेजा। यहाँ पे कम्युनिकेशन शब्द मेंशन है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो कम्युनिकेशन कैसे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं भी कह रहा हूँ नहीं आ सकता। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बी ऑप्शन है ये इनकम्प्लीट है, बी में क्या आएगा यहाँ पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तब जाके कम्प्लीट होगा बेटा, जिसने पेपर बनाया ना उसने बहुत मिस्टेक कर किया। यहाँ पे क्या आएगा आपका सी ऑप्शन में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर भी चाहिए हमें, उसने अपने अपने मैसेज को आइडिया लेके आया, उसको इनकोड किया, इनकोड में एक मैसेज में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने में एक चैनल के माध्यम से रिसीवर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इस कोडिंग ये बस आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन ही आएगा, यहाँ पे आएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो बस आपका आता ओनली सेंडर आता, फिर आता आपका मैसेज आता, फिर आता आपका चैनल, फिर आता आपका रिसीवर, फिर आपके ये आइडिया और कम्युनिकेशन नहीं आती है, आपके स्टेप में आ जाएंगे, प्रोसेस में आ जाएंगे। फिर आपकी अगर नॉर्मली एलिमेंट करता है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका ये ऊपर ऊपर की ये नीचे के दो आपके नहीं आते, फिर आपका सेंडर ही आता आपका, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि हमारे जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कम्युनिकेशन का, एक हमारा सेंडर होगा, सेंडर जो है वो किसी मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है, किसी मैसेज को एनकोड कर दिया, उसके बाद जो मैसेज है वो आगे जाएगा, उसको फिर डिकोड करेंगे हम और फिर वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। रिसीवर से एक रिस्पॉन्स जाएगा फीडबैक के रूप में सेंडर के पास, ठीक है। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ नॉइज भी होता है, जैसे कभी कभी आप जूम वगैरह पे क्लास अटेंड करते हो, किसी का माइक ओपन रह गया तो कुछ साउंड वगैरह आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो नॉइज। तो ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम का एक भाग होता है। अगर यहाँ पे आपसे नॉर्मली पूछता कि कितने आपके एलिमेंट होते हैं, बस होता है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तब आपका सेंडर होता, मैसेज और चैनल होता और रिसीवर होता, ये आपके तीन चार ही होते हैं एलिमेंट, ठीक है। पर जब प्रोसेस आएगा, यानी प्रोसेस मतलब आपके स्टेप के बारे में पूछ रहा है, यानी पूरा फीडबैक सिस्टम के साथ पूछ रहा हो, ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आया, यहाँ पे देखो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है, आइडिया आया, ठीक है, उस आइडिया को क्या किया उसने इनकोड कर दिया आपके लैंग्वेज में, उसने जिसे भेजना है उस चैनल में भेजना, चाहे जिस मीडियम के माध्यम से भेज रहा उस मीडियम के फोन में आपको इनकोड, जैसे आप फोन से बात कर रहे हो तो क्या हुआ इनकोडिंग हो गया आवाज में, फिर वो आपके मीडिया में चला गया, मीडिया चैनल में चला गया, उसके बाद फिर आपके पास गया, तो आपने क्या उसको अपने लैंग्वेज में
डिकोड कर लिया आपने लैंग्वेज, उसको समझ लिया, फिर आप फीडबैक दोगे ना, कुछ रिस्पॉन्स दिखा आपने, फीडबैक दे दिया, ये पूरा चैनल हो गया, इसी को हम प्रोसेस बोलते हैं, चाहे स्टेप बोलते हैं, ठीक है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीविंग, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, ये पूरा आपका क्या चीज होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, चाहे साइकिल होता है, चाहे स्टेप बोलते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल एलिमेंट होता तो बस आपका सेंडर सेंडर होता, बाकी नहीं होते आपके, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना आपको, बस वो कम्युनिकेशन नहीं था, वो जो सी ऑप्शन था क्या था, वो था आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था, यहाँ पे देखो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या था आपका, वो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था, तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, इसका मतलब है इवोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उससे हमें क्या पता चलेगा, वर्दीनेस, पात्रता कि कैसा पात्र है मतलब कैसा रहा, अप्रोप्रिएटनेस मतलब कितना उपयुक्त है, जैसे कोई टीचर है वो कितना अप्रोप्रिएट है अगर वो पढ़ा रहे हैं तो, वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब जैसे कोई भी जो ड्यूरेशन है मतलब कितना सही रहा हो, ठीक है, ऑल ऑफ दीस। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करो, देखो आपकी तरफ से इवोल्यूशन किया जा रहा है, आपकी लेवल को जांच किया जा रहा है, तो वर्दीनेस देखा जाना कि आप किसके पात्र हो क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इवोल्यूशन किया जाएगा। दूसरा कि आपका उपयुक्तता, यानी कि एक तरह से आपका क्या प्रोप्रिएट किया जाएगा, प्रोप्रिएटनेस किया जाएगा आपका, यानी कि एक तरह से क्या चीज आपकी तरह से इवोल्यूशन करेंगे, आपके इसकी क्या उपयोगिता है, क्या चीज नहीं है, आपका लेवल में आपकी इवोल्यूट करेंगे, फिर आपको देखेंगे आपकी वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या, आपकी एक तरह से वैधता क्या है आपका, ठीक है, तो सब आपका इवोल्यूशन में आता है आपका। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल हो जाएगा। आपके एवोल्यूशन प्रोसेस में आपके तीन स्टेप आते हैं आपके, ठीक है, शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इवान पावलोव थ्योरी ऑफ हाउ पीपल लर्न और एक्वायर अनकॉम्प्लिकेटेड हैबिट एंड रिफ्लेक्स इज कॉल्ड, इवान पावलोव का सिद्धांत, लोग कैसे सीखते हैं यह सरल आदत और प्रतिफल प्राप्त करते हैं, ये किस थ्योरी में कहा गया, इसे मतलब कि इसे आप क्या कहोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर मॉडलिंग। तो यहाँ पे देखो मैं आपको तीन चार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था, किस पे किया था, डॉग पे किया था, ठीक है, किस देश के थे, तो आपको जवाब देना रशियन थे, कैसे थे आपके यहाँ, ठीक है, रशियन थे आपके यहाँ पे, क्लियर आपका। साथ ही साथ क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि आपसे क्वेश्चन एक और बनता है, यहाँ पे देखो चीज हैबिट लिखा हुआ, तो आपसे पूछ लेगा आपके जो हैबिट है ये आपके किस थ्योरी में आता है आपका, तो हैबिट आपका जो आता है ज्यादातर किसमें आता है, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है, किसमें आता है, आपसे हैबिट पूछ लेगा कि हैबिट आपका किस थ्योरी से रिलेटेड है आपका, ये आता आपका इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से आता आपका। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा कि इवान पावलोव का जो प्रिंसिपल है जिससे लोग आपके इजीली सीख लेते हैं, ठीक है, या सरल आदत अपने हर आपके एक तरह से क्या होता है एक इजी हैबिट बना लेते हैं, और ये फिर रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्शन का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी कौन सी थ्योरी है आपको, तो आपको अच्छे से पता है, मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही है, किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ, क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, सीआर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे ये पूछ लेता हैबिट चीज किससे संबंधित है, तो हैबिट आपको क्लासिकल कंडीशन है, किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था, किस पे किया था, डॉग पे किया था, ठीक है, और इसमें कौन सा आपके है, उसके क्या नाम है, इसमें आपके थोंडाई के कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग शामिल है, सीखने के कौन से नियम उन्होंने जोड़ा था, तो उन्होंने एसोसिएशन ऑफ लर्निंग का नियम यूज करके उन्होंने खाने को घंटे के साथ एसोसिएट किया था, कौन सा नियम जोड़ा था उन्होंने यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ लर्निंग जोड़ा था, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन क्लियर हो गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किस प्रकार के रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका बहुत सिंपल जवाब है, कुछ बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने पढ़ा होगा, पर आप एक बार तो नियमित किताब पढ़ोगे ना अच्छे से बिल्कुल डिटेल्स में, तो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी को हम किससे किस नाम जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के, आरएस थ्योरी के भी नाम जानते हैं, ठीक। किसने दिया था आपका, बीएफ स्किनर ने दिया था, कब दिया था, 1938 में, किस पे किया था उन्होंने, 1938 में चूहे पे किया था, ठीक है। उसके पांच साल बाद दोबारा उन्होंने कबूतर पे किया, कब किया, 1943 में, पांच साल उसमें जोड़ ना, ठीक है। तो उनपे बिहेवियर पर उन्होंने फोकस किया था, मेन बिहेवियर पर फोकस किया था आपका, अब बिहेवियर आपके कैसे था, आपके पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और कंटिन्यूस भी था, तो किस पे आधारित था आपका, मैंने आपको जवाब दे दिया, तो यहाँ पे आपका है रेनफोर्स कैसा था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव था, कंटिन्यूस भी था, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पर जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्सेप्ट. इसका मतलब है कि ये सभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जांपल है. किसे छोड़कर? पनिशमेंट, टेकिंग अवे एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस. इसका मतलब है आपने एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हटा दिया. बीइंग रिवार्डेड बाय बीइंग रिलीव्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट. इसका मतलब है कोई जो एक पक्षी है जो भी है वो डिस्कम्फर्ट में है, आपने उसको क्या कर दिया, उसको रिलीव कर दिया, उसको एक तरह से छुटकारा दिला दिया. अवॉइडेंस लर्निंग और मोटिवेशन. ठीक है, अवॉइडेंस लर्निंग और मोटिवेशन. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे. यहाँ पे देखो, मैं अभी पिछला क्वेश्चन क्या था आपका कि आपके रेनफोर्समेंट आपके कौन कौन से आते थे, हमारे पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, कंटिन्यूस था. यहाँ पे क्या पूछ रहा आपसे? नेगेटिव रेनफोर्समेंट. यहाँ पे बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपका चार ऑप्शन है, इसमें से क्या चीज है जो आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सिवाय की बात करें इसमें से क्या चीज है जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं हो, कंटिन्यूस हो सकता आपका, या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो मेंशन है, पूरा प्रॉपर मेंशन है, एक्सेप्ट. ठीक है, इसमें से इसके सिवाय की बात कर रहा कि इसमें से क्या चीज है, इनमें से चार में से किस चीज को छोड़ के आपके नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आता है, उसके एग्जाम्पल है. तो देखो पनिशमेंट, हम पनिशमेंट को नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट कहते हैं, बिल्कुल सही है. ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलस. अब स्टिमुलस क्या आपका, टेकिंग अवे एन अनप्रेजेंट स्टिमुलस, यानी कि जो चीज उसको नहीं, देखो उसमें चूहा जो था उसको वहां पे बिजली के झटके दिए जा रहे थे, बिजली के झटके क्या था आपका, अनप्रेजेंट था, मतलब उससे खुश नहीं था. भाई कैसे खुश रहेगा वो, तो खाना खाने जा रहा है, उसको बिजली के झटके दे रहे हैं, आप खाना मांग रहे हो मम्मी से, मम्मी ने आपको बिजली के झटके दे दिए, तो क्या आप एक तरह से वहां पे नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो यहाँ पे ये भी आपका नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट है आपका. तीसरा हम देखते हैं, तीसरा छोड़ा, अभी चौथे बारे में बात करते हैं. चौथा क्या आपका, अवॉइडनेस लर्निंग ऑफ मोटिवेशन. आपको मोटिवेशन और लर्निंग के लिए क्या एक तरह से अवॉइड किया जा रहा है, आपको दिया ही नहीं जा रहा, आपको सिर्फ वंचित किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है, तो भी हमारा नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट है. बल्कि हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा, बींग रिवॉर्डेड बाई द बींग बिलीव्ड ऑफ द डिसकम्फर्ट. डिसकम्फर्ट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपका, इसका मतलब ये चीज है आपका कि क्या मतलब है कि आपको डिसकम्फर्ट से दूर करने के लिए आपको आराम दिया जा रहा है, आपको एक तरह से अवार्ड, आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है. ठीक है, डिसकम्फर्ट से बचने के लिए, आपको दूर करने के लिए आपको क्या कर रहा है, तरह से रिवॉर्डेड दिया जा रहा. तो क्या चीज है आपका, देखो रिवॉर्ड तो नहीं आएगा हमारा, हमारा पनिशमेंट हो जाता है वहां पे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी तो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी बोलते हैं, अवार्ड और पनिशमेंट सुना होगा. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड काम करने से पहले मैंने आपको बोल दिया कि आपको मैं काम करूंगा तो आपके लिए रिवॉर्ड दूंगा, और काम होने के बाद क्या करते हैं, आप अवार्ड देते हो. ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, पनिशमेंट तो दे नहीं रहे उसको एक तरह से, क्या कर रहे हो उसको एक तरह से आप गिफ्टेड वगैरह दे रहे हो. तो भाई ये पनिशमेंट हुआ, मैंने आपसे बोल दिया कि आप पढ़ोगे तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो थप्पड़ मारूंगा, तो थप्पड़ मारना क्या वो पनिशमेंट हो गया, पर 5 रुपया उसको रिवॉर्ड देना, तो क्या ये आपका नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट है? बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है. क्या हो जाएगा कि आप उसको डिस्कम्फर्ट से दूर करने के लिए आप उसको आराम दे रहे हो, उसको एक तरह से रिवॉर्ड दे रहे हो, आराम उससे से कुछ ना कुछ प्राइज उसको दे रहे हो. तो भाई ये आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है. ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ इंफॉर्मेशन लर्निंग एक्सेप्ट. इसका मतलब है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन ये सही है किसी एक खास इंफॉर्मेशन को छोड़कर. इट इज प्लांड लर्निंग दैट अकर विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम और टीचर. इट इज अनप्लांड लर्निंग दैट अकर विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम और टीचर. इट इज अ वे ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन द वर्क प्लेस. इट इज ओनली हेल्पफुल फॉर लर्निंग सिंपल स्किल इन द वर्क प्लेस. तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा है चार ऑप्शन में, चार ऑप्शन में ऐसा क्या चीज है जो आपके इन्फॉर्मेशन लर्निंग को छोड़ के है, यानी कि वो फॉर्मल हो सकता है आपका और भी हो सकता है, पर इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है. इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सा होता है, जो एक तरह से रूल रेगुलेशन के थ्रू नहीं सीखते हो, आप क्लासरूम में नहीं सीख सकते हो. ठीक है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा हो, जो आपका इनफॉर्मल लर्निंग आपका नहीं है, इसे छोड़कर, एक्सपेक्ट के बारे में बात कर छोड़कर. ठीक है, यहाँ पे इसमें फोकस करो, ये नहीं कह रहा आपका कि इन्फॉर्मेशन लर्निंग कौन सा है, ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन लर्निंग कौन सा इसका छोड़ के है. चार में से तीन तो है आपके इन्फॉर्मेशन लर्निंग, पर ऐसा एक है जो आपका इन्फॉर्मेशन लर्निंग नहीं है, तो आपको जवाब देना है इसका, फटाफट जवाब दो. अब देखो हमें पता है इन्फॉर्मेशन लर्निंग क्या होता है, आपको पता है अच्छे से. ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे देखो विदाउट फॉर्म, आपको यहाँ पे मत पढ़ो अभी, यहाँ पे देखो विदाउट फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल क्लासरूम. तो भाई जब विदाउट फॉर्मल क्लासरूम आ गया
तो मतलब ही नहीं है भाई आपका कि इनफॉर्मल में आएगा, आपका विदाउट फॉर्मल आ गया। इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है आपका फॉर्मल में आ गया, वो अलग बात है भाई कि प्लान किया उसने, प्लानिंग किया नहीं किया। यहाँ पे देखो प्लान है उसका, प्लानिंग किया प्लान हो गया, यहाँ पे अनप्लान हो गया, यहाँ पे उसने प्लानिंग किया, प्लानिंग तो किया उसने सीखने के लिए, पर विदाउट फॉर्मल क्लासरूम या विदाउट ए टीचर, बिना टीचर के चीजों को सीख रहा हो प्लान करके भाई, चाहे प्लान कर ले हो चाहे प्लान ना करे भाई, जब यहाँ पे फॉर्मल क्लासरूम आपका आ ही नहीं रहा तो सीधी सी बात है क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका इनफॉर्मल लर्निंग आएगा। चाहे वो प्लानिंग करके हो, प्लानिंग करे हो चाहे प्लानिंग ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा विदाउट 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 फॉर्मल क्लासरूम या फिर विदाउट टीचर, जब टीचर नहीं है आपके क्लासरूम नहीं है तो भाई सीधी सी बात है आपका इनफॉर्मल लर्निंग में आएगा। दोनों आपके, चाहे प्लानिंग करके करो चाहे आप अनप्लानिंग करके करो, इसने सीधा सीधा बोल दिया आपका इनफॉर्मल लर्निंग है आपका, तो फॉर्मल फॉर्मल लर्निंग है तो आपका इनफॉर्मल लर्निंग आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी और सी और डी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सी डी क्या कह रहा है आपका, कि आप लर्निंग तो सीख रहे हो, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीख रहे हो अपने वर्कशॉप में। वर्कशॉप में क्या सीख रहे हो, वर्क प्लेस में आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीख रहे हो, ये भी आपका बिल्कुल सही है आपका। ओनली हेल्पफुल लर्निंग ऑफ सिंपल स्किल द वर्क प्लेस, ये क्या कह रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीख रहे हो, क्या हमारा इनफॉर्मल है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल लर्निंग। अब देखो जो चीज हमारा क्या होता है, जो चीज हम एक तरह से देखो फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, अभी हम एनएसटीआई में कंपनी में जाते हैं तो वहाँ रूल रेगुलेशन होता है, वहां पर सीखते हैं कैसा लर्निंग सीखते हैं हम, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीखते हैं। कैसा, कॉम्प्लेक्स जो जटिल होता है, जो चीज हमें नहीं आता, आसानी से हम चीज नहीं सीख पाते हैं, तभी तो हम कंपनी में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं और चीज जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। क्यों, कि जो हमारे पास जो स्किल है जो कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल, जो एक तरह से जटिल है हमारा, ठीक है, जो एक तरह से मुश्किल है लर्निंग, उसको हम अच्छे से सीख नहीं पाते, इसलिए हम फॉर्मल एजुकेशन का यूज लेके हम किसी संस्थान में जाके सीखते हैं। पर डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सिंपल जो लर्निंग, तो यहाँ पे देखो देखो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल में जो हमारा होता है, देखो फॉर्मल वाले में जो हम कंपनी में जाते हैं, वहाँ रूल रेगुलेशन यूज करते हैं, कंपनी में जाते हैं चाहे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कैसा स्किल सीखने जाते हैं, आप सोच के देखो, जो स्किल आपके लिए आसान नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को तो सीखने जाते हो। इसका मतलब है कि आप जो वर्क प्लेस में जो आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग है आपका, ये किस में आएगा, ये आपका इनफॉर्मल में आएगा, फॉर्मल में आएगा, ये आपका फॉर्मल में आएगा, किस में आएगा, फॉर्मल में, जहां भी आप कॉम्प्लेक्स एक तरह से जटिल लर्निंग सीखने के लिए वर्क प्लेस में जाते हो, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल में आता है जहां पर रूल रेगुलेशन ज्यादा होता है। पर जो चीज आप सिंपल सीख जाते हो, जैसे घर में पड़ोस में किसी ने बता दिया जनरली, तो हमारा सिंपल स्किल सिंपल लर्निंग होता है वो, ये भी हमारा किस में आएगा, इनफॉर्मल में, ये भी इनफॉर्मल में, ये भी हमारा इनफॉर्मल में, हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा आएगा फॉर्मल में, किस में आएगा, जो चीज हम कॉम्प्लेक्स जो स्किल होता है हम सीख नहीं पाते हैं फॉर्मल एजुकेशन से, इनफॉर्मल से सीख नहीं पाते हैं, घर पे चाहे दोस्तों से सीख नहीं पाते हैं, तो हम उसको कंपनी ज्वाइन करते हैं, कुछ और प्लस ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग को सीखने के लिए। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज द वे ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस में आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग को सीखने के लिए हम इनफॉर्मल एजुकेशन लर्निंग होता है आपका, वो फॉर्मल, सॉरी क्या होता है आपका, फॉर्मल लर्निंग होता है आपका, इनफॉर्मल नहीं होता, शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लर्निंग स्टाइल्स एक्सेप्ट, इसका मतलब है कि निम्नलिखित चार ऑप्शन में से ये सभी, इनमें से कौन सा लर्निंग स्टाइल है, किसी एक को छोड़ के, फॉर्मल, विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेसिस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, देखो लर्निंग स्टाइल हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो हम विजुअली के, विजुअली जो हमारा विजुअल यानी कि जो हमारे विजुअली सेंसेशन होते हैं उसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं, चीजों को सीखते हैं कितना परसेंट, ऑडिटरी यानी जो हमारा ऑडियो माध्यम जो होता है हमारा, ऑडिटरी सेंसेशन उसके थ्रू हम सीखते हैं, काइनेस्थेसिस से हम सीखते हैं, ठीक है, यानी हमारे तीनों जो हमारे सेंस हो गए हैं सेंसेशन के माध्यम चीजों को लर्निंग करते हैं। पर फॉर्मल इनफॉर्मल ये हमारे क्या होता है, ये हमारे लर्निंग के टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है, ये हमारे टाइप होते हैं, लर्निंग नहीं होता है, एक टाइप होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को जो बहुत सही आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है, जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बच्चे सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका बी एफ स्किनर के सीखने के सिद्धांत को हमारे व्यवहार के परिणामों को कहा जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर मॉडलिंग।
इस क्वेश्चन को गोली की तरह फेंक के मारो, ठीक है, गोली की तरह फेंक के मारो, बिल्कुल जवाब भी है स्किनर, यानी कि हमारा क्या आता है रेनफोर्समेंट आएगा, बिल्कुल आएगा रेस्पॉन्समेंट, आपको ने बता दिया, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चाहे आपका कंटिन्यूस हो, तो जो चीज हम लर्निंग अपने व्यवहार में जाते लेके आते हैं, क्योंकि असेसमेंट आपका आता है, जो भी हम व्यवहार में लेके आते हैं, ठीक है, तो हमारा कौन सा होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्समेंट होगा, क्या होगा जल्दी, तो देखो हमारे यहाँ पे क्या मेंशन कह रहा है आपका, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपका कि बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ द लर्निंग थ्रू द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ब बिलो बिहेवियर ऑफ कॉल्ड, जो बीएफ स्किनर जो दिया था सीखने के सिद्धांत वो किस पे आधारित था, तो आपके किस पे आधारित था वो, तो आपको यहाँ पे बताना है उसके बाद अकॉर्डिंग चल, तो किस पे था आपका, वो थे आपका कॉन्शियसनेस पे आधारित था वो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है, तो किस कौन सा थ्योरी दिया था उन्होंने, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर यहाँ पे वो पूछता कि आपके पॉजिटिव बिहेवियर का क्या होता, सॉरी आपके बिहेवियर अगर अच्छा इसमें आपको एक मोटिवेट किया जाता है तो उसके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्समेंट होता, पर आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा वो, आपसे यहाँ पे वो पूछ रहे आपके जो उनके बिहेवियर स्किनर के जो सिद्धांत है उनके परिणामों को क्या कहा जाता है, उनके कॉन्शियसनेस को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर यहाँ पे होता जो जिससे मोटिवेट किया जा रहा है हमारा पॉजिटिव रेस्पॉन्समेंट आएगा, जिससे उनके डी मोटिवेट करके सिखाया जाता हमारा नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट आता, जिससे उनका बिहेवियर दोनों होता है तब होता आपका वहां कंटिन्यूअस। पर यहाँ पे जब भी आपके सामने ये एक वर्ड ये मिल जाएगा तो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग साथ जाना है। तो मैंने देखा गरीब बच्चों ने यहाँ पे गोली की तरह फेंक फेंक के मारा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों के एक विशेष समूह के लिए पाठ योजना विकसित करने के लिए एक संगठित तरीका है कंसेप्चुअल स्टेटमेंट, रिसोर्स यूनिट, मास्टर लेसन प्लान या फिर टीचिंग यूनिट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपकी, जो आप लेसन प्लान को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से डेवलपिंग मेथड यूज करते हो, तो हम वहां पे देख रहे हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत से जवाब आ रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं, मास्टर लेसन प्लान, ठीक, कुछ बच्चे टीचिंग यूनिट के साथ भी जा रहे हैं, पर जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी मास्टर लेसन प्लान, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी मास्टर लेसन प्लान को देख के हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज मेथड यूज होता है हमारे डेवलपिंग लेसन का, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मास्टर लेसन प्लान, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। द थ्री कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आर, तीन कंपोनेंट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के क्या होंगे, व्हाट हु व्हेन, या फिर आपके पास और भी तीन ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन में जवाब देख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग विचार है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पीओटी किताब में आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। यानी जो परफॉर्मेंस, जो आपके परफॉर्मेंस का उद्देश्य, परफॉर्मेंस के परिचय, उसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं, तो आपने कभी पढ़ाई नहीं होगा ना मैंने भी ठीक से इसको देखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया था तो मुझे अच्छे से पता चला था इसका क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा बी, यानी कि एक्सपेक्टेड लर्निंग इक्विपमेंट आपका, उसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हमारे परफॉर्मेंस का जो उद्देश्य होता है उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे देखो आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपके परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है। आपके लर्निंग के लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है कि आपके लर्निंग की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को वो देखता है। फिर आपका क्या कहता है, पहला क्या आपका एक्सपेक्टेड लर्निंग, यानी कि जो आप एक तरह से एक्सपेक्ट करते हो उसका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे पर इसका बिल्कुल आपका जो जवाब है, तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, शायद आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाउ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इसका मतलब है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा प्रौद्योगिकी को कैसे एकीकृत किया जाता है, प्लेटिंग कंप्यूटर गेम्स, ये प्लेइंग है, ठीक है, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, विजिटिंग योर फेसबुक, यानी कि फेसबुक चलाकर इग्नोर करके, इंट्रोड्यूस रीइंफोर्स सप्लीमेंट एंड एक्सटेंड स्किल्स।
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये प्लेटिंग नहीं है, प्लेइंग है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो देख लेना इसको कि जो हमारे एक तरह से जो टीचिंग है, जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे फोकस करो। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा आगे, इसलिए मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या आपका इंटीग्रेटेड है, आपका किस यानी इंटीग्रेटेड किससे, आपके टीचिंग से और आपका लर्निंग प्रोसेस से। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है आपका, यानी कि जो हमारे शिक्षा का जो प्रौद्योगिकी है, हम इसको शिक्षण यानी कि लर्निंग और टीचिंग की प्रक्रिया में कैसे एकीकृत या कैसे हम इंटीग्रेटेड कर सकते हैं इसको। तो क्या होगा इसका, क्या उसको हम कंप्यूटर गेम खिला देंगे, तो क्या कंप्यूटर गेम खिला देंगे उसको, तो क्या वो उसका हो जाएगा टेक्नोलॉजी हो जाएगा उसका, एक तरह से इंटीग्रेटेड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, क्या उसको हम क्या करेंगे, अगर हम उसको विजिटिंग फेसबुक पर विजिटिंग करा देंगे तो क्या उसका हो जाएगा, तो अगर हम उसको इग्नोर इट कर देंगे, उसको एक तरह से इग्नोर कर देंगे तो हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पर 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस रेनफोर्स सप्लीमेंट और आपका एक्सटेंड, इसके लिए हो जाएगा आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा आपका। शायद कीजिए क्लियर है, ये आपको फोकस कर लेना है, अभी आपको इस पर भी फोकस करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे इसके। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव, इसका मतलब है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, एक्वायर नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी बट कॉम्पिटेंसी एज वेल, इसका मतलब है केवल शिक्षा ही ना धारण करे, वो योग्यता भी प्राप्त करे, कॉम्पिटेंस क्षमता प्राप्त करे, एक्वायर कंप्यूट लिटरेसी ओनली, मतलब केवल गणन करना आ जाए उसको, मतलब केवल कैलकुलेशन वगैरह करना आ जाए, या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे करीब बच्चों को जवाब बिल्कुल सही है, किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, ठीक है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्या कह रहा है आपका, जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें क्या चीज आपका शुड होगा, शुड टू होगा, यानी कि एक तो आवश्यक है उनके लिए। तो यहाँ पे देखो, एक्वायर्ड नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि देखो कंप्यूटर का उनके पास एक तो सिंपल, अगर कंप्यूटर के बारे में उन्हें नॉलेज है तो बस आपका ये रिक्वायर्ड नहीं है, साथ ही साथ उसके बारे में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनकी एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, तो उनकी कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। तो जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया उसका बिल्कुल सही, बी में क्या कह रहा है, कॉम्पिटेंसी होगी, अगर उन्हें बस एबिलिटी एबिलिटी है, अगर कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं जानते हैं, वो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर भी बेकार है ना आपका, फिर एक्वायर्ड कंप्यूटर कंप्यूट लिटरेसी ओनली, यहाँ पे ये भी कंप्यूटर है, यहाँ पे आर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे ओनली, ठीक है, यानी कंप्यूटर के पास एक नॉलेज है उनको, तो ये भी सही नहीं कह सकते, कंप्यूटर के नॉलेज के साथ उनकी कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए। जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इट इज यूज ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजीज टू इंट्रोड्यूस रीइंफोर्स सप्लीमेंट एंड एक्सटेंड स्किल्स, यह कौशल का परिचय सुदृढ़ीकरण पूरक और विस्तार करने के लिए सीखने की तकनीकों का उपयोग है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने फोकस करने के लिए कहा था, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपका, जो लर्निंग हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो हमारा इंट्रोड्यूस होता है, रेनफोर्समेंट होता है, सप्लीमेंट होता है, आपका एक्सटेंडेड स्किल होता है, ये आपका किस में आता है, आपका लर्निंग टेक्नोलॉजी में किस में यूज किया जाता है, आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर इंफॉर्मेशन आईटी में, या फिर आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे, तो हमने आपको अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब आपके सामने इंट्रोड्यूस आ जाए, आपके सामने रेनफोर्समेंट आ जाए, सप्लीमेंट आ जाए और एक्सटेंड आपका स्किल आ जाए, तो आपका हमेशा जाना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था आपको, यहाँ पे देखो आप ये क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे क्या आपको इंट्रोड्यूस रेनफोर्समेंट सप्लीमेंट और एक्सटेंडेड स्किल, ये हमारे किस में आ रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, ये तो आ रहा हमारा, इसी का तो इंटीग्रेटेड है ये, मैंने आपको अभी बताया। तो यही चीज तो पूछ रहा आपको, ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ लेगा कभी आपको, क्वेश्चन देकर आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब देना, देखो कहाँ पे क्या पूछ रहा आपका, यहाँ पे मोर है आपका, एम ओ आर ए कर लेना, ठीक है, मेरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा आपका, द मोर यूज ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट मीन्स टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड आपका इन इंस्ट्रक्शनल, इसका क्या मतलब आपका, इसका मतलब ये है आपका कि आपके इंस्ट्रक्शनल में, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शनल में कंप्यूटर का बस आपका यूज ही, जो आपका यूज है बस ये आपका टेक्नोलॉजी है या नहीं आपका, तो इसको जवाब देना आपको, सटाफट जवाब दो। यानी सिंपल से क्या मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है आपका कि जो आपका कंप्यूटर है आपका, सिर्फ कंप्यूटर में, सिर्फ कंप्यूटर का यूज करना, सिर्फ कंप्यूटर का यूज करने का तात्पर्य ये नहीं है आपका, ये मतलब बस कंप्यूटर का यूज करना,
बस कंप्यूटर का यूज करने का मतलब आपका ये नहीं है कि आपके 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 इंस्ट्रक्शनल में आपके इंस्ट्रक्शन मतलब आपके निर्देश में आपकी टेक्नोलॉजी का क्या हो गया है, एक तरह से उसको वहां पे इंटीग्रेटेड हो गया, एक तरह से शामिल हो गया, एक तरह से उसके अंदर समावेश हो गया है। तो ये चीज क्या सही है गलत है, क्या चीज इसका बोध हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। देखो कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो आपकी है इस टेक्नोलॉजी में आपके सॉरी आपके जो इंस्ट्रक्शनल है इस इंस्ट्रक्शन में आपकी टेक्नोलॉजी का एक तरह से इंटीग्रेटेड हो गया, एक तरह से समावेश हो गया, बिल्कुल नहीं। आप वहां से अलग अलग आईटी यूज करते हो, कंप्यूटर के साथ और भी यूज करते हो, जब तक यूज नहीं करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, गलत चीज नहीं, आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको चीजें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू इट। अगर आप ही चाहते हो कि आप इंटरनेट को ज्वाइन करें तो आपका कंप्यूटर किस चीज से कनेक्ट होना चाहिए? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, आपके इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर में कौन सा कनेक्टेड करते हो, तो मैंने आपको ये फुल फॉर्म बताया था, क्या था आपका आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। इसका मतलब है कि लोकल टेलीफोन नेटवर्क को वायरों पर डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करके इंटरनेट अभिगम प्रदान किया जाता है। कैसे? लीज लाइन द्वारा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, डिजिटल सिग्नल लाइन द्वारा, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन आके पूछ रहा कि जो आपका एक तरह से क्या चीज, आपका जो लोकल टेलीफोन है ना, आपका जो लोकल टेलीफोन जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, जो आपके लोकल टेलीफोन नेटवर्क वायर है, जो आपके लोकल टेलीफोन वायर है आपके, ठीक है, उस पर जो डिजिटल डाटा है आपका वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा हो, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा। हम डिजिटल डाटा को हमारा जो टेलीफोन का जो लोकल लाइन है वहां पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आपका, जो हमारा लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो होता है ना, इसके अंदर जो हमें डिजिटल डाटा को हमें एक तरह से उस वायर में हमें ट्रांसमिटेड करना है, तो हम कौन से इंटरनेट एसेस का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Which one of the following is not an application layer protocol used in internet? इसका मतलब है इंटरनेट के लिए कौन सी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज नहीं किया जाता है? रिमोट प्रोसीजर्स कॉल, इंटरनेट रिले चैट, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज। तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चीज है जो आपके इंटरनेट में एक तरह से इंटरनेट में आपका क्या चीज है, आपका एक एप्लीकेशन लेयर नहीं है प्रोटोकॉल का, ठीक है, आपके इंटरनेट में इसमें से क्या चीज है जो आपका एप्लीकेशन का लेयर नहीं आपका, ठीक है। तो आपको जवाब देना है क्या है आपका, रिमोट प्रोसीजर आपका, हाँ ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही होता है आपका, इंटरनेट रिले चैट तो ये भी होता है आपका, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल तो ये आपका इसका लेयर नहीं होता इसका, ठीक है, इसका अनुप्रयोग लेयर, इसका लेयर प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेयर प्रोटोकॉल इसका नहीं होता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, शायद आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। प्रेम सर अभी आपको कुछ बताएंगे, फिर हम आपसे कल मिलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इसके अंदर टफ क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।